हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। व्हाट इज एस्टिमेशन, साथ ही साथ हम देखेंगे एस्टिमेशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं सेपल्स और पेटल्स में। जनरली जो एस्टिमेशन होता है हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स इन द बड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिमेशन। तो जो एस्टिमेशन होता है वो फ्लोरल पार्ट पर, जैसे कि बात करें हम सेपल्स और पेटल्स का, बड जो कंडीशन होती है उस पर अरेंजमेंट जो होता है वो एस्टिमेशन कहलाता है। तो बात करें एस्टिमेशन की तो इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एस्टिमेशन निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले हम जिस प्रकार की बात करें वो प्रकार है बॉल वेट। तो बॉल वेट एस्टिमेशन क्या होता है, व्हेन द सेपल्स और पेटल्स मीट इडेज टू इडेज विदाउट ओवरलैपिंग ईच अदर। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और सिलेमेटिस एक्सेट्रा प्लांट्स में बॉल वेट एस्टिमेशन पाया जाता है। तो बॉल वेट एस्टिमेशन जो है वो क्या होता है, तो बॉल वेट एस्टिमेशन में जो है वो सेपल्स और पेटल्स की इडेज किनारे जो हैं वो मिलते नहीं हैं बिना ओवरलेप के, बस सिर्फ हल्का सा माइन्यूट अटैच होते हैं। तो इस प्रकार के हम एस्टिमेशन को बॉल वेट एस्टिमेशन कहते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉल वेट एस्टिमेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें कि बॉल वेट एस्टिमेशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है कि तो बॉल वेट एस्टिमेशन जो होते हैं वो इनडुप्लीकेट बॉल वेट एस्टिमेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट्स की स्पीसीज में। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो माइन्यूट टाइप का जो ज्वाइंट होता है, जो कि हम बात कर रहे हैं बॉल वेट एस्टिमेशन की, तो हम जानते हैं बॉल वेट एस्टिमेशन में सेपल्स पेटल्स जो इडेज होते हैं उनकी वो मिलते तो हैं बट माइन्यूट मिलते हैं विदाउट ओवरलैपिंग के। तो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे सेकंड स्ट्रक्चर में जो डॉट डॉट आपको लाइनिंग दिखाई दे रही हैं वो यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि विदाउट ओवरलैपिंग के बहुत ही माइन्यूट जो हैं उनकी इडेज जो हैं वो मिल रही हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेकंड टाइप के एस्टिमेशन की, जो कि है ट्विस्टेड एस्टिमेशन। ट्विस्टेड एस्टिमेशन, या हम बात करें कंट्रोटेड एस्टिमेशन या फिर कॉन्वोलेट एस्टिमेशन। When margins of each part are overlapping regularly, that is, one edge of the sepals and petals is overlapped by the preceding part, as in Malvaceae. तो twisted जो estivation होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हमने first में देखा था ball bait estivation, जिसमें जो overlap बिल्कुल भी नहीं होता है sepals petals का, बिल्कुल minute joint अगर होता है तो होता है कुछ species में बस। बट अगर बात करें ट्विस्टेड एस्टिमेशन की तो ट्विस्टेड एस्टिमेशन में जो ओवरलैपिंग होती है वो रेगुलरली होती है, एक इडेज एक सेपल्स के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई। इसी प्रकार से जो फाइव पेटल्स या सेपल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। एग्जांपल की बात करें तो मालवेशी फैमिली के मेम्बर्स में जनरली ट्विस्टेड एस्टिमेशन देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड टाइप के, जो कि है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन क्या होता है, When one out of the five sepals or petals is internal, one external and remaining three are partly internal and partly external, as in Dahlonyx. तो बात करें इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में एक सेपल्स और बात करें एक पेटल्स की, तो एक सेपल्स या फिर एक पेटल्स जो हैं वो एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है, और जो बकाया होते हैं वो ट्विस्टेड मैनर में, दैट इज एक दूसरे को वन टू वन इडेज ओवरलैप किए होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने पहले बात की थी ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड में एक इडेज एक को ओवरलैप किए होता है और एक सेपल्स का एक इडेज एक दूसरे को ओवरलैप हुए। इस प्रकार से फाइव जो सेपल्स या पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के इस मैनर में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इम्ब्रिकेट, जो कि अब हमने देखा कि थर्ड टाइप का एस्टिमेशन जनरली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जांपल की बात की थी हमने Dahlonyx। तो इस प्रकार के एस्टिमेशन में, इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन में एक जो होता है सेपल्स या पेटल वो इंटरनली दोनों सेपल्स और पेटल्स के जो इडेज होते हैं उसको कवर किए होते हैं, ये आप दिखाई दे रहे होंगे स्ट्रक्चर में, और एक जो होता है वो दोनों ही ऊपर होते हैं वो एक को कवर किया होता है। जनरली हम देखें तो इस इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन होता क्या है, हम जानते हैं किसी भी प्लांट्स में
सामान्यतः सेपल्स या पेटल्स का जो नंबर होता है वो 5 होता है। तो 5 में हम देखें इम्ब्रिकेट, तो इम्ब्रिकेट में एक तो अंदर होगा जो कि 2 के द्वारा कवर्ड होगा, और एक जो है वो बाहर होगा जो कि 2 को कवर किया होगा, और बकाया जो 3 होते हैं उनका एक जो सिरा होता है वो बाहर की ओर, एक सिरा अंदर की ओर। इस प्रकार से जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होता है वो अरेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ टाइप का एस्टिवेशन जो कि होता है क्विंकियल एस्टिवेशन। बात करें अगर क्विंकियल एस्टिवेशन की, तो इस एस्टिवेशन में कुछ इस प्रकार से होता है, व्हेन आउट ऑफ द 5 सेपल्स और पेटल्स 2 आर इंटरनल 2 आर एक्सटर्नल एंड रिमेनिंग 1 इज पार्टली एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एग्जाम्पल की बात करें तो निजेला सेटाइवा इसका एग्जाम्पल है। तो इससे पहले हमने इम्ब्रिकेट में देखा था कि एक अंदर एक बाहर और 3 बकाया जो थे उसका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, इस प्रकार से अरेंजमेंट था। बट जो क्विंकियल टाइप का एस्टिवेशन होता है इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि 2 अंदर 2 बाहर, बात करें 2 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल जो हैं वो सेपल्स या पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो एक होता है उसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर ट्विस्टेड मैनर की तरह अरेंज होता है। तो क्विंकियल का एग्जाम्पल निजेला सेटाइवा है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे जिसमें 2 एक ये और ये बाहर की तरफ अरेंज हैं और एक ये पेटल या सेपल्स अंदर की तरफ अरेंज हैं। और बात करें एक यो फिफ्थ टाइप का पेटल्स है जो कि एक अंदर और एक बाहर की तरफ इडे जिसका अरेंज है। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है वो जनरली निजेला सेटाइवा प्लांट में प्रेजेंट होता है, और क्विंकियल टाइप के एस्टिवेशन इस प्रकार के एस्टिवेशन को कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आज का लास्ट नॉट लीस्ट फिफ्थ टाइप का एस्टिवेशन जो कि है बैक्सिलरी एस्टिवेशन। क्या होता है बैक्सिलरी एस्टिवेशन? व्हेन 1 पोस्टीरियरली आउट ऑफ द 5 पेटल्स इज वेरी लार्ज एंड कवर्ड द 2 लेटरल पार्ट्स, द एंटीरियर पार्ट ऑफ दीज 2 लेटरल पेटल्स कवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रिमेनिंग 2 एंटीरियरली प्लेस्ड वेरी स्मॉल पेटल्स। एग्जाम्पल है पेपलिनेसी। तो पेपलिनेसी जो फैमिली होती हैं इसमें बैक्सिलरी बैक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। बात करें बैक्सिलरी एस्टिवेशन होता क्या है, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन में एक लार्ज जो पोस्टीरियरली अरेंज होता है पेटल्स या सेपल्स जो कि कवर किया होता है 2 पेटल्स को या सेपल्स को, और उसके बाद में जो 2 स्मॉल से ज्वाइंट सेपल्स या पेटल्स होते हैं उनको जो 2 होते हैं वो कवर किए होते हैं। तो इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ बैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाता है, जिसमें एक जो होता है वो लार्ज होता है जो स्मॉल 2 को कवर किया होता है, और जो स्मॉल 2 होते हैं वो एक जो ज्वाइंट 2 होते हैं माइन्यूट टाइप के सेपल्स या पेटल्स उनको कवर किया होता है। तो इस प्रकार का एस्टिवेशन बैक्सिलरी एस्टिवेशन कहता है। तो फाइनली हमने देखा आज की अगर लेक्चर को हम समराइज करें तो कुछ इस प्रकार से समराइज कर सकते हैं कि बॉल बिट एस्टिवेशन फ्लोरल पार्ट जो होते हैं सेपल्स पेटल्स के अरेंजमेंट को, हम बड पर जो अरेंजमेंट होता है जनरली उसे एस्टिवेशन कहते हैं, और एस्टिवेशन जो होता है वो जनरली 5 टाइप का होता है। बॉल बिट एस्टिवेशन जिसमें जो सेपल्स पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, और माइन्यूट टाइप से वो ज्वाइंट होते हैं बहुत ही ना के बराबर। नेक्स्ट हम बात करें अगर सेकंड टाइप के जो कि हमने देखा था ट्विस्टेड, तो ट्विस्टेड में एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए होते हैं एक बाहर एक अंदर की तरफ, इस प्रकार से अरेंजमेंट ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। इम्ब्रिकेट में बात करें तो इम्ब्रिकेट में एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल सेपल्स या पेटल प्रेजेंट होते हैं, बकाया 3 जो होते हैं वो ट्विस्टेड मैनर में एक अंदर एक बाहर की ओर इडीज प्रेजेंट होते हैं। क्विंकियल में बात करें तो क्विंकियल में हमने अभी ही देखा था कि 2 अंदर 2 बाहर होते हैं, 2 एक्सटर्नल एंड 2 इंटरनल होते हैं सेपल्स या पेटल्स, और एक जो होता है वो ट्विस्टेड मैनर में दैट इज 1 इडीज इंटरनल एंड 1 इडीज एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है। बैक्सिलरी में हम बात करें तो बैक्सिलरी में एक जो होता है वो लार्ज होता है वो 2 को कवर किए होता है, और वो 2 होते हैं वो उन 2 को कवर किए होते हैं पेटल्स या सेपल्स को जो कि ज्वाइंट होते हैं, और इस प्रकार के एस्टिवेशन को बैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं जो कि पेपलियोनेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा।